हेलो एवरीवन, मैं ऋतु कौशल फ्रॉम सेरेनिटी रेकियंस एक बार फिर आपके साथ हूँ मनी मैटर्स पर बात करने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या करें और क्या ना करें जिससे कि हमारे फाइनेंशियल ब्लॉक्स ना बने और फाइनेंशियल ग्रोथ ना रुके। आज मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका पैसा पेंडिंग है किसी को रिटर्न करने के लिए तो उसे मंगलवार के दिन करें। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो मंगल देव से रूल्ड होता है। मंगल देव जो है वो धरती के पुत्र हैं। इनका मेन काम है कि हमारे को किसी भी प्रकार के ऋण से मुक्त करना। ये ऋण मोचन कहलाते हैं। आप जिस जब मंगलवार के दिन आप किसी के पैसे रिटर्न करते हो तो आप वो एनर्जी जनरेट करते हो जो हमेशा आपको इस पोजीशन में रखेगी कि आप सबके पैसे लौटा दें, आपके पास किसी का पैसा अटकेगा नहीं। साथ ही साथ अगर आप किसी को पैसे उधार देते हो, रिमेम्बर कभी भी बृहस्पतिवार के दिन और बुधवार के दिन हमें कुछ भी नहीं देना है। तो उस दिन वो आपके पैसे लौटने की संभावना बनेगी। कुंडली में अगर मंगल कमज़ोर है तो कभी किसी को पैसे उधार ना दें। शनि कमज़ोर है तो बिल्कुल भी पैसे ना दें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, वरना आपके पैसे लौटने की संभावना बहुत कम रह जाती है। नेक्स्ट चीज़, मंगलवार के दिन यदि हम एनिमल्स को फीड करते हैं तो हमारे मॉनेटरी बेनिफिट्स बढ़ते जाते हैं। एक चीज़ और हम गलत क्या करते हैं, घर की बेटियां, अगर किसी भी फीमेल्स पे आप मॉनेटरी बेनिफिट ले रहे हो तो डेफिनेटली आप पितृदोष के अंदर आते हो। दूसरी बात एक ये होता है कि फीमेल जो होती हैं और स्पेशली जो एक बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल लेवल पे हैं या एक बहुत ही जिन्हें कहते हैं ना मॉरल लेवल्स पर जीने वाली फीमेल्स, अगर उसका आप कभी पैसा रोक रहे हो तो डेफिनेटली आर गोइंग अंडर द पेनफुल सिचुएशंस ऑफ पितृदोष। तो कभी भी किसी भी फीमेल से पैसे का लेन देन करते हुए ये ध्यान रखें कि आपकी वजह से उसका लॉस नहीं होना चाहिए। आप किसी भी फीमेल से कुछ भी मुफ्त कभी ना लें। इसको करने से ऐसा नहीं है कि फीमेल कमज़ोर है उसे देते रहो, नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्त्री शक्ति जो होती है वो क्रिएशन की पावर रखती है, निर्माण की। तो जब हम सृजन करने वाली शक्ति को सपोर्ट करते हैं तो वही सृजनात्मकता हमारे अंदर भी जागृत होती है। लेकिन जब हम उसका मन दुखाते हैं उसके पैसे रोककर, तो बहुत ही ज़्यादा आज के ज़माने में पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, और आप किसी के फीमेल के आप पैसे रोकते हैं तो डेफिनेटली वहीं से आपके लिए डिस्ट्रक्शन की एनर्जी भी जनरेट हो जाती है। तो कभी भी किसी भी फीमेल का पैसा नहीं रोकना चाहिए, उसे डेफिनेटली दो। और ना कभी भी किसी भी फीमेल से फ्री में कुछ लेने की कामना रखो। हमेशा ये रखो, क्योंकि आप जब किसी फीमेल को से दुआ लेते हैं या फीमेल के काम का उसे इनाम देते हैं तो यूनिवर्स से और मदर अर्थ से एक एनर्जी जनरेट होती है जो आपको बैलेंस करती है, और आपको भी उसी बैलेंस में बेनिफिट अपनी ज़िंदगी में होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपकी फैमिली में लेडीज़ हैं, बच्चियाँ हैं, तो हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए। खुश रखने के नाम पर बिगाड़िए नहीं, लेकिन उनको कभी कभी स्वीट्स, बैंगल्स, ड्रेसेस, ऐसी चीज़ें उन्हें देते रहिए। इससे क्या है कि जब वो खुश होती हैं ना तो उनकी दुआएं निकलती हैं, और ये कहते हैं जब एक बेटी के दिल से या बहन के दिल से दुआ निकलती है तो वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को पीछे धकेल लेती है। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आते हैं। यकीन मानिए, अगर आप ये चीज़ करेंगे ना, आपकी कुंडली में कितना भी बड़ा दोष हो
या कोई भी कितना भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आपका पैसा आएगा ज़रूर। सिर्फ माइंडसेट ये रखिए कि हाँ, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं ये करूँगा। ये मत सोचिए कि मैं उससे भी फ्री में ले लूँ, मैं फ्री में ले लूँ। यूनिवर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड ये दीजिए, यस आई वॉन्ट टू पे माई ऑल बिल्स, यस आई वॉन्ट टू डोनेट समथिंग, यस आई वॉन्ट टू होल्ड माई एबिलिटी टू पे माई बिल्स। मैं खर्च कर सकता हूँ और अपनी खर्च करने की क्षमता को पूरी ताकत से इस्तेमाल करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। यूनिवर्स मुझे उस पोजिशन में रखिए, तो यकीनन आप पे हमेशा इतने पैसे बने रहेंगे कि न सिर्फ आप खर्च करेंगे, आपके बचेंगे भी। ओपन हार्ट कीजिए, यूनिवर्स की तरफ देखकर बिलीव कीजिए, आप पे आ रहे हैं, आपके सारे काम होंगे और कुछ भी नहीं रुकेगा। ज़िंदगी में प्रमोशन जो हमें मिलती है वो जुपिटर प्लैनेट की वजह से मिलती है। यही वो प्लैनेट है जो हमें आगे बढ़ाता है ज़िंदगी में, हमारे लिए रिलेशंस लाता है। स्पेशली जो गर्ल्स की मैरिज में सबसे ज़्यादा ऑब्स्टेकल इसी प्लैनेट की वजह से आती हैं, और पुरुष जो पितृदोष फेस करते हैं उसमें भी ये ज़िम्मेदार होता है। और इसका मेन रीज़न यही है कि जो लोग अपने हार्ट चक्र को छोटा कर लेते हैं, बिल्कुल ये सोच कर कि बस मेरे पे पैसे आते रहे, मैं तिजोरी में उसको जमा करके लॉक करता रहूँ, मैं मेरे बच्चे बस, तो उन लोगों को वो हार्ट चक्र श्रिंक होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उनकी रिसीविंग्स ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। और जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे आपका जुपिटर उतना ही स्ट्रांग होगा। ख़ास करके मैं उन पेरेंट्स के लिए बोलूँगी जो अपनी बेटियों के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं और अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तो एक बार ज़रूर चेक करें कहीं वो जुपिटर को वीक तो नहीं कर रहे। इंटरनेट से भी फ्री में डाउनलोड करने से बचिए, क्योंकि वो भी किसी की मेहनत का है, आप फ्री में इस तरह से नहीं ले सकते। डेफिनेटली एनर्जी एक्सचेंज दीजिए, आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा। रिमेंबर, मांगने वाले का कभी पेट भरता नहीं है और देने वाले की कभी जेब खाली नहीं होती। देने से मीनिंग ये नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल खाली करके छोड़ दें, मीनिंग इज़ कि हमेशा ये रखिए कि मैंने इतना पावरफुल हूँ कि मैं कुछ भी फ्री में नहीं ले सकता, आई कैन पे ऑल माई बिल्स। और आप जब ये अफर्म करते हैं तो यूनिवर्स कहता है यस यू कैन पे योर बिल्स, मैं भी तुम्हें ऑथराइज़ करता हूँ। आप बिरला और अंबानी हो जाएंगे, बिलीव मी, जस्ट होल्ड दिस एटीट्यूड। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी, आई ऋतु कौशल एम। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।